दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय पूर्व सैनिक संगठन द्वारा संचालित सेना भर्ती कोचिंग सेंटर लूना कांगड़ा। यहां से कोचिंग लेके नौजवान इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अलावा हिमाचल पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जरिए देश और प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। नगरोटा बगुआ के लूना में 5 साल पहले शुरू किया गया यह कोचिंग सेंटर हर नौजवान की पहली पसंद बन गया है। पड़ोसी राज्यों के युवा भी इस सेंटर में कोचिंग के लिए पहुंच रहे हैं। एक्स सर्विस मैन एक्सपर्ट्स की देखरेख में नौजवान हर वे गुर सीख रहे हैं जिसके जरिए सेना व पुलिस भर्ती की दहलीज पार की जा सके। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें। गरली की सरस्वती विद्या मंदिर पाठशाला में रविवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा राज्य स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न सरकारी एवं निजी स्कूलों के 105 से अधिक विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इकाई अध्यक्ष दुष्यंत शर्मा, प्रेस सचिव निखिल नड्डा, उपाध्यक्ष दीपाक्षी, लक्ष्य, साहिल, रजनी, अंकिता व अन्य कार्यकर्ताओं ने बताया कि विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने इस लिखित प्रतियोगिता में भाग लिया। मैं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान वेद व्यास परिसर आचार्य प्रथम वर्ष का छात्र हूँ और जो ये कार्यक्रम चल रहा है ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से स्वामी विवेकानंद के शुभ अवसर पर जनरल मतलब जो है ये जनरल नॉलेज का टेस्ट लिया जा रहा है। इसमें भविष्य में जो कोई भी बच्चा अगर कोई भी टेस्ट देगा जैसे टैट या अन्य कोई भी है तो उसके उनको जानकारी हो जाएगी कैसे ये कोई भी टेस्ट देते हैं और ये उनको पता लग जाएगी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी है जो कि बच्चों के प्रति अनेक कार्य कर रहा है और उनको कोई परेशानी तो ABBVA के किसी कार्यकर्ता को बता सकता है। मैं इकाई अध्यक्ष बलार से दुष्यंत शर्मा, यहाँ पे गरली प्रागपुर में हम सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के टेस्ट करवा रहे हैं बच्चों के जो कि 9 से लेके प्लस टू तक के बच्चे टेस्ट दे रहे हैं और गरली सेंटर SBM में 100 बच्चे हैं लगभग 100 के आसपास और प्रागपुर में 175 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं 9 से लेके प्लस टू तक जो कि हम सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता करवा रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से बिहार इकाई। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए गरली से रक्षपाल शर्मा की रिपोर्ट।